So dear students, today we continue the nomenclature of aliphatic hydrocarbons and aliphatic compounds having without functional group. Without functional group. So all of you see here. Wait a minute. I have to. Are you able to hear my voice? Yes. Hello. Okay. So here you can see a compound. So we have to name for this. We have to write the IUPAC name for this. सबसे पहले हमें क्या करना? We have to see the word root, right? And the substituent. This is the substituent and word root. So count how many number of carbon atoms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbons are there. So in the 5th carbon we have a substituent. Okay. So यहाँ से number दो, यहाँ से number दो. इसे 5H मिलता, तो क्या भी जरूरत नहीं है. इधर से दे देंगे. उधर से ये तो भी 5H मिलता. So we have now the pent. ठीक है. वर्ड रूट मिल गया ना. अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे नेम देंगे. तो यहां तुम्हें देखो इताज इसमें देख लो सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग देना किसे जो कार्बन जो पेरेंट चेन यानी मेन चेन को जो लक्को है कार्बन उसे 1 देना. 1, then 2, 3 मालूम रहा. तो ये इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पेरेंट चेन हुई और ये मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन. अब इसके अंदर सेकेंड कार्बन को देखो यहाँ CH3 CH3 अटैच होकर है. CH3 CH3 इज अटैच्ड. तो हमें क्या करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे. सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था बोलो देखेंगे 2,2 डाइमिथाइल करेक्ट 2,2 डाइमिथाइल. अब ये मेन जो चेन है इसे नाम दो प्रोपाइल. 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल. अभी पूरी चेन तो नहीं ना ये जस्ट ए ब्रांच है पूरा. तो ये ब्रांच को हमें ब्रैकेट डाल देते ठीक है ब्रैकेट डाल देते. तो हमें क्या करेंगे सॉरी पेंट नहीं है नया ना था. तो ये हुआ ब्रांच का. अभी ब्रांच पूरा किसे अटैच हो गया कौन से कार्बन को 5th कार्बन. तो फाइव डाल देना ठीक है. 5-2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल. अब पूरा तुम्हारा हो गया. अब जस्ट तुम्हारा मेन चेन का वर्ड रूट लिखना कितना है नॉन एन. सो पूरे नॉन 9 कार्बन से पूरे सिंगल बॉन्ड ही लास्ट में एन मालूम हो रहा. लास्ट में क्या आया एन आया. तो हमें फर्स्ट इतना अच्छे देख ले सब्स्टिट्यूएंट का नेम दिए ब्रैकेट के अंदर है एंड 2 को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए 2,2 डाला. फिर 2 मिथाइल ग्रुप से इसलिए डाई डाला मिथाइल डाइमिथाइल. फिर ये मेन जो चेन है सब्स्टिट्यूएंट की इसमें 3 कार्बन से इसलिए प्रोपाइल डाला. प्रोपेन नहीं डालना है प्रोपेन रॉन्ग हो जाता ठीक है. ये अभी सब्स्टिट्यूएंट ना प्रोपेन नहीं होता वही अल्ली जाता प्रोपाइल. फिर ये पूरा जो है सब्स्टिट्यूएंट किससे अटैच होगा 5th कार्बन को अटैच है तो इसलिए हमें 5 डाले. तो लास्ट जो कार्बन जो फाइनल कार्बन चेन है वो क्या है 9 कार्बन से इसलिए 9 डाले और ऑल आर सिंगल बॉन्डेड एन ठीक है. तो अब ये देखो can you name this very easy. to yahan double bond hai you can see here also double bond yahan ek double bond hai yahan ek double bond hai. to sabse pehle hame numbering kahan se dena jo double bond hai usse kam number milna jo carbons double bonded hai unko kam number milna yahan se diye to 1 2 3 1 2 3 milta hai isse yahan se diye to 1 2 milta correct. kaun sa kam hai yes यहां से चिदेंगे नहीं इसे भी कम मिल जाता इससे भी कम मिल जाता. यहां से दिया तो तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो 2+3+5+6 कितना ज्यादा हो जाता. यहां से दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1+2+4+5 कम मिल होता नहीं तो इसीलिए ये ऊपर का नहीं आता ठीक है. नाउ सो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है
और यहाँ तो डबल बॉन्ड क्या करते हैं हमें बाद में लिखेंगे थे, पहले नंबर ऑफ कार्बन कहते हैं हेक्स, यू हैव टू राइट हियर हेक्स राइट हेक्स, कितने डबल बॉन्ड्स हैं दो ही, तो डाइईन आ सकता डाइईन आता नहीं डाइईन। उसके बाद कहां कहां डबल बॉन्ड है उसका स्मॉल नंबर, वन और टू के बीच में है वन ले लो, फोर और फाइव के बीच में फोर ले लो, ठीक है। सो वन हाइफन वन कामा फोर डाइईन, करेक्ट फिनिश, एनी डाउट्स? बहुत इजी है, धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्स को जाती तो वहां तो मैं और भी आसानी से समझ सकते। चलो आगे चले जाएंगे नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड को। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यू कैन सी ट्रिपल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दो ही, ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो इसे कैसा नाम देना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को कम नंबर आना, डबल बॉन्ड को कम नंबर आना वैसा हमें नेम देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से दिए तो क्या होता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स, करेक्ट। सो यहाँ के डबल बॉन्ड को कम नंबर आंदे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को जरा ज्यादा तो चलता। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने कार्बन सही, एक दो तीन चार पांच छ, हेक्स, व्हाट रूट इज हेक्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना, डबल बॉन्ड देना की या ट्रिपल बॉन्ड देना, यस डबल बॉन्ड देना है ट्रिपल बॉन्ड देना, यस यू कैन राइट फर्स्ट डबल बॉन्ड राइट, दो ही ना इसलिए दो लिखेंगे। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का लिख देंगे वन कामा थ्री, यहाँ वन है यहाँ थ्री है, वन कामा थ्री, ठीक है, वन कामा थ्री हेक्सा, यहाँ क्या करेंगे वन कामा थ्री पहले से लिख लेंगे, हेक्स बाद लिखेंगे, हेक्सा हाइफन हेक्सा डाइईन, हेक्सा डाइईन, वन कामा थ्री की तो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बाद आते पहले डबल बॉन्ड आते, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं थी इसलिए हमें बाद में डाले, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पहले लिखना ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखना, हेक्सा डाइईन। अब क्या करेंगे, फाइव और सिक्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा लेना, फाइव लेना, ठीक है फाइव आइन, साथ में तुम्हें भी है ना डिस्कस करते रहो, यू हैव योर पेन एंड पेपर, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें क्या पेन और पेपर लेकर प्रैक्टिस कर रही है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते नहीं आता। तो मालूम हुआ ये आइन, आइन का तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स, ओके। तो आगे जाएंगे, अब यहां एक जरा डिफरेंट केस है, यहां ब्रोमाइन साथ में आ गया, हैलोजन साथ में आ गया, ऐसा कॉम्पाउंड को कैसा नाम देना, ब्रोमाइन इज देयर डबल बॉन्ड आल्सो देयर, तो ऐसा नंबर चूज, यहां से नंबरिंग देना जहां से हमें दोनों को कम नंबर मिले। अब यहां से नंबर दिया तो मैं इसे क्या मिल रहा, वन टू थ्री फोर फाइव मिल रहा, थ्री फाइव मिल रहा, यहां से दिया तो टू थ्री फोर कम मिल रहा, नहीं ओके okay. चलो यहां से शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड को हमें लास्ट में लिखेंगे थे, पहले ब्रोमाइन, कितने को कार्बन कौन से कार्बन को अटैच हो गया ब्रोमाइन, टू ब्रोमो हेक्स, छह कार्बन है इसलिए हेक्स, उसके बाद थ्री और फोर के बीच में डबल बॉन्ड है थ्री इन हेक्सा थ्री इन हेक्सा थ्री इन, करेक्ट, टू ब्रोमो हेक्स हेक्सा थ्री इन, मालूमा सर नो, ओके शायद दोनों कम में रहेंगे
our यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा ओके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, हमें क्या भी करें इतना टाइम हो जाता। चलो उन्होंने ज्वाइन हो सकते हैं बाद में, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हो गया अब नेक्स्ट टाइम आगे जाएंगे। हो गया तो इसकर बोलो खत्म। सो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके ये तो हुआ विद विदाउट फंक्शनल ग्रुप, आगे हमें क्या करेंगे विद फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब यहां जो है फंक्शनल ग्रुप आता, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक तो एक रहता। अब सबसे पहले हम इसके वास्ते एक सिंपल फार्मूला याद रख लो, इसमें क्या रहता, सबसे पहले प्रीफिक्स, जी हाँ अब दिख रहा ना, करेक्ट है सबको भी? ओके तो हैलाइड्स को समय क्या करेंगे, हैलाइड से क्या बोलती, हैलाइड बोलती से हैलो, प्रीफिक्स इज हैलो। नेक्स्ट अल्कोहल्स का क्या है, ओएच है, और सॉरी अल्कोहल्स इज ओएचएस, राइट आई एम राइट, सफिक्स इज ओएल एंड प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी करेक्ट। तो इसी तरह से बहुत सारे ही देखो, एक एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाइट्राइल्स, ईथर्स, लिख लेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हमें इसके प्रॉब्लम को लेंगे। एल्डिहाइड्स CHO, next what is the suffix, S, remember AL, okay, then prefix is formyl, ठीक है। Next ketones का क्या आता बोलो, ज्यादातर C double bond O is the functional group of ketone, suffix क्या आता जैसे यहां ओन है लास्ट में O-N-E, ओन। Next prefix क्या आता, S, ऑक्सो, ऑक्सो यूज करती है, नहीं तो फॉर्मेल भी यूज कर सकते। नेक्स्ट नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का तो क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप करेक्ट। सो इसमें क्या है ज्यादातर एज, इसे क्या बोलती है, नाइट्राइल्स ही किसको बोलती, नाइट्राइल्स सफिक्स, ठीक है नाइट्राइल्स। देन ईथर्स आर ओ आर, जरे फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स नहीं रहते, ठीक है यूज भी नहीं होता वो, जस्ट क्या भी डरो ना को, आर ओ आर। नेक्स्ट क्या है यहाँ, इसका ईथर का क्या आता सफिक्स बोलो, देखेंगे ज्यादातर ईथर्स को हमें O8 ऐड कर लेंगे, O8 एथेनोएट ईथर्स, सो इसका क्या भी सफिक्स ज्यादा यूज नहीं करते, O8 भी डाल सकते हैं, O8 या अल्कोक्सी प्रीफिक्स यूज करती हैं, अल्कोक्सी, ठीक है तो ऊपर लिख लिख जाता मैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर्स है,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, नहीं इसके बाद अमाइंस, अमाइंस नहीं लिखे, अमाइंस लिख लो, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स. सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग COOH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड द सफिक्स इज ओइक एसिड, ओइक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसलिए एसिड यूज कर दी, तब यहां है ना इसे कार्बोक्सी करके भी यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स. सो एस्टर्स COOR इज द जनरल फार्मूला, अ फंक्शनल ग्रुप. एस्टर्स को हमें ज्यादातर क्या भी सफिक्स यूज नहीं करते, एस्टर्स ऑलरेडी जो है बहुत सारे नाम ऐसे लिखती हो. नेक्स्ट है अल्काइल करके यूज करते हैं इसे प्रीफिक्स. अमाइंस NH2 मिलता तो NH इस तरह से रहता, तो N ट्रिपल बॉन्ड्स इस तरह से रहती, कौसा होता भी रहता उसमें. नेक्स्ट इसमें क्या है, हाँ अमाइनी चीज का क्या आता, सफिक्स आता अमाइनो, ये क्या है प्रीफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स को मैं बाद में डैश डाल दी. ओके प्रीफिक्स. नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो का NO2 आता, सो यहां तुम्हें इसका सफिक्स क्या भी नहीं रहता, जस्ट नाइट्रो एज ए प्रीफिक्स, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो हेक्सीन इस तरह से. तो ये मेन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अच्छा तुम्हें बाय हार्ट कर डालो, मैं तो बाय हार्ट करने एकदम नहीं होता, फिर भी तुम्हें पहले पढ़कर ही ना आसान हो जाता, जरा याद रख लो, उसके यूज कर लेको हमें नेक्स्ट जो IUPAC नेम से, ये अच्छा मालूम करने आ जाता हमारा पूरा. ठीक है, 100% तो बोल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 90% तुम्हें ये यूज कर को फंक्शनल ग्रुप्स यूज कॉम्पाउंड्स के नेम्स लिख सकते, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी उसके बाद आगे चले जाएंगे. मैं जरा दो एग्जांपल्स डालता हूँ कर दल. ठीक है चलो, I write two examples here. So first one, take down examples. CH2OH. CH2OH. तो ऐसे कंपाउंड्स को हमें क्या करना, सबसे पहले इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेना. सी कहते हैं यहाँ एक और दो, ठीक है आप आजू बाजू चलते हो बट यहाँ तो ब्रैकेट डाल देना अलग दिख रहा. OH कहते हैं दो ही, चलो वो यहाँ एक डालेंगे, इससे एक है, इससे एक है, बाकी की जो बची ना वहां हमें क्या करना है H2. ठीक है, इस तरह से इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ. तो अब इससे हमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या डालना हमें वर्ड रूट. वर्ड रूट कहते क्या, नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टू रहे तो ईथ. ठीक है ईथ. अब यहां तुम्हें देखना पूरे सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन या डबल बॉन्ड है. देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो AN डाल सकती, AN नहीं डालना, ई लास्ट में निकाल डालो, ये तो अभी कंप्लीट नहीं होना ये, इसीलिए खाली AN डालना. सिंगल बॉन्ड है तो AN, डबल रही तो EN, ट्रिपल रही तो YN. ठीक है ये हुआ सफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स खत्म हुआ. नेक्स्ट यहाँ दो OH ग्रुप है, ठीक है दो OH ग्रुप है तो अब हमें उसे सफिक्स यूज करना. ठीक है सेकेंडरी सफिक्स. अब यहाँ डाइफन डाल डालो, फर्स्ट और सेकेंड नंबर वन टू और एक कार्बन को वन का टू दो है तो क्या यूज करते हैं हमें डाई. करेक्ट, दो एक ही फंक्शनल ग्रुप दो है तो डाई, फिर ओएल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा सबको भी एस बोर्ड दिख रहा की कौन तो बोलो देखेंगे. ओके
चलो आगे और एक करेंगे, मालूम हो ये, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एक कर देखेंगे मालूम होता। सो यहां देखो एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां एक मिथाइल ग्रुप है, ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसे कंपाउंड्स में दो फंक्शनल ग्रुप रहते, वो है और एक मिथाइल है, नहीं मिथाइल को क्या करने रख ली, पहले हमें ले लेना मिथाइल को, पहले लेना वो है चीज फंक्शनल ग्रुप, बाद में हमें आगे आगे तुम्हारा मालूम होता हमें ये को सफिक्स लेना ये प्रीफिक्स को लेना, अगर को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती, नहीं प्रीफिक्स से लेना ये सफिक्स लेना अगर को मालूम कैसा हुआ हमने वो आगे मालूम होता, तब सबसे पहले हमें धीरे धीरे कर लिख चाहिए। तो मिथाइल ग्रुप आया गया तो ये प्रीफिक्स ले लेती, तो कितने कार्बन को अटैच हो गए देखो, चाहे तुम यहां से ले यहां से ले, कितना नंबर आ रहा हूं एस वन नंबरिंग दो 3 5 6 7 8 आठ कार्बन हो गए, तो तीन थर्ड कार्बन को मिथाइल है तो हमें थ्री मिथाइल लिख सकती, करेक्ट थ्री मिथाइल लिख सकती, नहीं सर नो थ्री मिथाइल। उसके बाद यहां सिक्स कार्बन को ओएच है, ओएच का तो क्या सफिक्स ओएल, ठीक है तो अब यहां कितने वर्ड रूट बोलो, प्रीफिक्स तो हो गया, प्रीफिक्स खत्म, वर्ड रूट आता उसके बाद, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, तो अब यहां मिथाइल है नहीं प्रीफिक्स हो गया, नेक्स्ट वर्ड रूट बोलो ऑक्टॉन, ऑक्ट ऑक्ट इज द वर्ड रूट ऑक्ट। अब यहां पूरा सिंगल बॉन्डिंग है देखना, ऑल आर सिंगल बॉन्डिंग, तो ए एन ऑक्टॉन, ठीक है। उसके बाद सिक्स कार्बन को ओएच अटैच हो गए, सिक्स को क्या है ओएच का सफिक्स क्या है ओएल, तो ये हुआ थ्री मिथाइल ऑक्टॉन सिक्स ऑल जो है इसका नेम, तो ये क्या है सिंपल एक फंक्शनल ग्रुप का। तो आगे जाएंगे हमें पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स करके मालूम होता, इकाई को मैं प्रीफिक्स लिया, इसे सफिक्स लिया था ना सर, इसे प्रीफिक्स लिया था ना सर, अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा रहेगा, अब यहां तुम्हें आगे समझती पॉली फंक्शनल एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है तो कैसा है हमें नेम देना, ठीक है ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, चलो आगे देखेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स और फंक्शनल बोलती पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप्स है तो तब क्या करना, इन दीज कंपाउंड्स साथ में लिख लेते रहना, नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं होता, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज ए प्राइमरी और प्रिंसिपल, वी कैन से इट इज ए फंक्शनल चूजन एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी नहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप सिंग तो उसमें से कोसता भी एक हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज कर लेना, ठीक है। हाउ टू डिसाइड, अब कैसे मालूम होता कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वोच कर को नहीं, सो फंक्शन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हिंग तो हमें चूज करना प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोसा अगर हमें कैसे मालूम होना है नहीं, तो इसीलिए हाउ टू चूज याद रख लो, हाउ टू चूज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीएफजी कहते हैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में, हाउ टू चूज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चलो देखेंगे बहुत आसान है, एक जरे कंपाउंड्स के नेम्स ही वो हमें तुम्हें याद रख लो।
फंक्शनल ग्रुप्स के नेम ही तुम्हें याद रख ले तो धीरे धीरे मालूम हो जाता। सबसे पहले है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर्स, एस्टर, ठीक है, एसाइल हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, अल्कोहल देखो यहां आ गया, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, इसके बाद आती हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, हैलो नाइट्रो, हैलोजेंस, नाइट्रो, मैं यहां बाजूस लिख ले रहा हूं, जगीरथ नीचे लिख लो, ठीक है, नाइट्रो आता है, इसके बाद अल्कोक्सी, अल्काइल, अल्कोक्सी, अल्काइल। तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और डिक्रीजिंग प्रायोरिटी बोलते हैं हम इसे, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी एस, हाँ, कौन सा हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना, अगर को हमें यहां प्रायोरिटी दी, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो, COOH है तो उसे हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज कर लेना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का तो क्या, उसे हमें सफिक्स करके बाद में लास्ट में डाल लेना, ठीक है, प्रीफिक्स ले तो नहीं है इसे। अगर यहाँ सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों भी है कॉम्पाउंड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स ले लेना, प्रीफिक्स सल्फोनिक एसिड को लेना, ठीक है। अगर सल्फोनिक एसिड और एस्टर है, दो भी एक ही कंपाउंड में दो भी है, तो सल्फोनिक एसिड को सफिक्स लेना, एस्टर को प्रीफिक्स ले लेना। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सफिक्स हो जाता, बाद में जो नीचे आ जा रहा है पूरे प्रीफिक्स आ जाते हैं सब, ठीक है, अच्छा याद रख लो। अल्काइल ग्रुप सब भी क्या होती, प्रीफिक्स ज्यादा आती है। इसे याद रखने के वास्ते सिंपल ट्रिक क्या है, तो ज्यादातर एसिड्स जो है वो फर्स्ट में ही, ठीक है, एसिड्स क्या है ज्यादातर वो क्या है सफिक्स यूज होती है, उसके बाद एस्टर, एसाइल हैलाइड्स, एस्टर्स का तो क्या COOR, एसाइल हैलाइड्स का तो COX, नाइट्राइल्स का तो CN, ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, ठीक है। इस तरह से सिंपल तुम्हें क्या कह सकते हो, एल्डिहाइड्स, अगर एल्डिहाइड्स और नाइट्राइल्स आ गया किस कंपाउंड में, तो नाइट्राइल्स को हमें लास्ट में रख लेना और एल्डिहाइड्स को प्रीफिक्स यूज कर लेना। एल्डिहाइड और कीटोन है तो किस कंपाउंड में, एल्डिहाइड को सफिक्स यूज कर लेना और कीटोन्स को प्रीफिक्स यूज कर लेना। इस तरह से एक अच्छा तुम्हें एक माइंड में मैप बना लो, ताकि तुम ना आसान हो जाए, ठीक है, ये याद हो गया तो कॉम्पाउंड को तुम्हें कर लेकोगे। चलो आगे जाएंगे, शैल वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, एग्जांपल्स देखेंगे, सर नो, ओके, टेक स्क्रीनशॉट और जस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा तुम्हें याद कर ले तो हमें धीरे धीरे पुलिस याद करना क्या भी नहीं है इसमें, कासिट्स सुबह फर्स्ट में आती, एस्टर, ऑक्सिल हैलाइड्स, नाइट्रिल एल्डिहाइड्स का है नीचे आती है, याद रख लो, करते करते तुमने खुद आ जाता, करते करते एग्जाम्पल ज्यादा करे तो तुम्हारा माइंड में बैठ जाता। चलो बोर्ड छोटा रहने की वजह से हमें क्या करेंगे तो जल्दी जल्दी मिटाना पड़ता, ठीक है, सो आगे जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल करेंगे, तुमने एग्जाम्पल करे तो अच्छा मालूम होता, नहीं करो लिख लो, CH2 CH2 thrice CH2 thrice CH2 CO CH3। हाँ ऐसे एग्जाम्पल्स में हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसमें,
कितने फंक्शनल ग्रुप सही, यहाँ एक OH दिख रहा है, CO दिख रहा, करेक्ट, दो फंक्शनल ग्रुप सही, ठीक है। कैसा ये मालूम हुआ OH चीज कर को, देखो यहाँ वो है एच, वो एच जरूरी नहीं कि ऐसा चलना बाजू राइट साइड ही चलना, एचर को नहीं, इधर भी आ सकता। तो अब इसे हमें जरा ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, सी कहते ही देखो है थ्री टाइम्स है CH2 थ्री टाइम्स हो गया, ये CH2 यहाँ का है CH2 C डबल बॉन्ड हो ऐसा लिखना CH3 या OH, तो ब्रैकेट ओपन हो गया। तो अब कहता देखो इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप CO एक है, CO इज नथिंग बट ए विच वन कीटोन, कीटोन OH क्या अल्कोहल। तो प्रायोरिटी किसका पहले आता चेक करो, उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को सा था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सा, इसमें कीटोन, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, यस, कीटोन ऊपर है ना, अल्कोहल नीचे है, नहीं सर, नो, यस, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता, इसे हमें सफिक्स यूज करना, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता उसे सफिक्स को यूज करना, ठीक है, उसे डाल देना, बाकी का जो होता ना और एक वो प्रीफिक्स हो जाता, ठीक है, प्रीफिक्स। तो अब नंबरिंग करो, कहां से नंबरिंग करेंगे, यस, कहां से करे तो कम नंबर मिलता, जो भी CO है नहीं सफिक्स का है वहां उसे कम नंबर मिलना, वैसा हमें नंबरिंग करना। अब कौन सा सफिक्स इसमें, H ना, सफिक्स CO इज द सफिक्स, तो इसे कम नंबर मिलना हमें वहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से डाले तो इसे कम नंबर मिलता, यहां से डाले तो इसे ज्यादा नंबर मिलता। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। नेक्स्ट अब क्या करो, तुम्हें हाइड्रोक्सी जे प्रीफिक्स लिखो, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या हाइड्रोक्सी, यहाँ क्या है 7 कार्बन को अटैच हो गए तो 7 लिखो, बिना झिझक लिख डालो, क्या भी जरूरत डरने की जरूरत नहीं, 7 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी, 7 कार्बन को है इसे 7 हाइड्रोक्सी। अब उबारी आती, प्रीफिक्स खत्म हुआ, उसके बाद क्या आता, सो वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना कहता है 7 है, 7 को क्या लिखते हमें हेप्ट, करेक्ट, 7 को क्या लिखते हेप्ट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन पूरे सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, नहीं तो AN, ठीक है, हेप्टॉन। नेक्स्ट हाइफन, सेकेंड कार्बन को, सेकेंड कार्बन को सा वो कीटोन का, तो 2 और सफिक्स क्या आता कीटोन का, जल्दी बोलो कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन, गुड, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टॉन 2 ओन। एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट का वर्ड स्मॉल रहना, बीच में क्या भी गैप्स नहीं रहना, ठीक है, पूरे सिंगल पूरे स्मॉल लेटर्स रहना और क्या भी बीच में गैप्स नहीं रहना, पूरे 21 लाइन में रहना, ठीक है, इसका एक रूल हो, ठीक है, यूपीएससी नेम का रूल। तो ये हुआ एग्जाम्पल, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल डाल दू फटाफट कर ले गुजेंगे, इस तरह से कॉम्पाउंड है, इजी डाल डाल दू BrCH2CH double bond CH3। अब यहां गौर करो, ये कॉम्पाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ब्रोमीन भी है, डबल बॉन्ड और ब्रोमीन दो में, तो अब हमें क्या करना, प्रायोरिटी देखना, अल्कीन क्या है पहले आता, करेक्ट, उसके बाद हैलोजन्स, हैलो हैलो लास्ट में आता, पहले अल्कीन आता नहीं, सो डबल बॉन्ड क्या हुआ यहां PFG हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसे हमें सफिक्सर को यूज कर लेना, जो ब्रोमीन है वो क्या है प्रीफिक्स, ठीक है, कैसे मालूम हुआ, वो लिस्ट जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट उसमें देख ले। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सफिक्स है वो कार्बन को कम नंबर मिलना, करेक्ट, ओके, यहां से नंबर दे चलता नहीं, 1 2 3
1, 2, 3. तो अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे सफिक्स को बाद में लिखेंगे, तो पहले प्रीफिक्स लिखो. प्रीफिक्स कितना ब्रोमो है? 3 कार्बन, थर्ड कार्बन को ब्रोमीन है. 3 ब्रोमो. और क्या है? प्रीफिक्स खत्म. उसके बाद क्या आता? वर्ड रूट. कितने कार्बन सिंह? प्रोप. डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. प्रोप है नहीं, प्रोप लिखो बस, आन लिखना नहीं, प्रोपान हो जाता फिर सिंगल बॉन्ड. प्रोप 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है. प्रोप 1-ईन और प्रोपीन भी लिख सकते. प्रोप 1-ईन और प्रोपीन तो बहुत सेम. ठीक है, इस तरह से तुम्हें कर लेती नहीं? यस और नो? चलो आगे एक देखेंगे, अभी जरा एग्जांपल्स देखे तो ना मालूम हो जाता. लिख लेते रहना साथ में. आई होप यू आर राइटिंग राइट. जब तक आप नहीं लिखते ठीक है, नहीं मालूम होता, प्रैक्टिस करना तुम्हें. एनसीईआरटी में देखो आगे चल को. नेक्स्ट थर्ड वन एक डाल लो, जरा कॉम्प्लेक्स वन डाल दो. बॉन्ड लाइन फार्मूला मालूम नहीं? ओके. चलो इसका एक देख लेंगे, पॉलीफंक्शनल का, पॉलीफंक्शनल ग्रुप. चलो ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस देखो यहां कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप सही. एक तो वह है कीटोन है, देन डबल बॉन्ड है. 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ये CH3 है, वो कार्बन चेन में जा जाता ठीक है. तो उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. यस हाँ, दिस इज अवर सफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स हो जाता. इसके बाद अल्कोहल है नी, हाँ डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है. अब ऐसे इसमें क्या करना, यस यहां देखो बहुत गलती कर रही. एक्चुअल में ये है नी, पूरा 21 ग्रुप है. ओ एच ग्रुप है ग्रुप समझ लो, अल्कोहल का समझना को चक्कर है सुना में, इसी गलती हो जाती. यहां है नी सी है, समझो सी वो ओ एच है, सी वो ओ एच कोसा कार्बोक्सिलिक एसिड. जब OH और CO एक किस चीज में लाइन में आ जाती तब तो तुम्हें समझ लेना कार्बोक्सिलिक एसिड होकर को. एक किस बाजू बाजू रहे तो OH और CO तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड. OH और CO अलग नहीं होता है, यहाँ गलती कर लेती ठीक है, गलती मालूम है अब. ओके नेक्स्ट याद रहना तुमना. अब CO टाइम हो गया ना, इसलिए रीजॉइन हो. चलो करो देखेंगे, सब आ गए, सब आ गए क्या, रीजॉइन हो गए? बल्लंग जने जी आ जाते हैं लोग, क्या भी डरो ना. दस जने आ गए. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें तुम्हें पूरा मालूम हो जाता कैसा नेम देना कर ठीक है. अभी सीरीज ऑफ क्लास है, एक क्लास में दो क्लास में नहीं मालूम होता. अभी 3-4 क्लास में देता हूं इंशाल्लाह, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आईपीसी नेम पूरा कैसा है तो मैं दे सकती हूँ, तुम्हें खुद ब खुद मालूम होता. तुम्हें नए नए कंपाउंड्स के नाम देती. आगे पूरे बहुत जने चले गए क्या? ओके हम एच कंटिन्यू करेंगे. चलो इसका नाम देंगे, स्क्रीन दिख रही तुम ना बोर्ड? ओके चलो देखो यहां कितने कार्बन से देख लो. कंटिन्यू द लेसन ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. तो ये मालूम है सबको भी,
थर्ड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच को है, इसलिए मिथाइल डाले हमें साइक्लो का, तो छह कार्बन साइक्लिक में ही, इसलिए साइक्लो है हेक्सॉन, तो छह कार्बन से ना, इसलिए साइक्लो हेक्सॉन, और वन कार्बन को ओ एच अटैच होगा, इसलिए ऑल वन ऑल। ठीक है, आगे जाएंगे। अगर इसमें जरा तुम्हें डिफरेंस है, देखो प्लेस चेंज हो रहा होता है सी एच थ्री का, ये करो मालूम होता चेंज है सी एच थ्री यहां डाल डाले हमें, तब क्या होता एस, तो नंबरिंग तो हमें यहां से देती वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो ऐसे कम नंबर मिलना क्यों है, तो ऐसे फिर सिक्स मिल जाता, वन का मैं सिक्स हो जाता, रॉन्ग हो जाता, वन का मैं टू रहना, तो टू मिथाइल बोलो देखेंगे शफकाइन, सी द आंसर ऑफ दिस, टू मिथाइल साइक्लो हेक्सॉन वन ऑल, तो डिफरेंस क्या भी नहीं, वन थ्री मिथाइल एंड टू मिथाइल, समझ में आया, यस ओके। और एग्जांपल देखो, जस्ट सिंपल है, तुम्हें करे तो मालूम हो जाता, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न तुम एग्जाम को नेग्लेक्ट करो ना को, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर बड़ा डाक ना, इस तरह से कंपाउंड है, ठीक, देखने में अजीब है, नहीं वेर्ड है, तो सिंपल क्या भी नहीं है, देखने में टफ दिख रहा तुम ना, बट इट्स वेरी इजी, कर सकती हूँ तुम्हें, तो यहाँ क्या करना, पूरे जो कॉर्नर से है कार्बन से, ऑल आर कार्बन्स, ठीक है, ये सी एच थ्री है, टर्मिनल्स में सी एच थ्री है, एक सी एच थ्री है, एक सी एच थ्री है, होना तो लिख लेते हैं सी एच थ्री, ठीक है सी एच थ्री है, ये कार्बन है, तो हमें साइक्लिक को नंबर देना, कहां से नंबर देती है एस, तो एक डबल बॉन्ड के जो कार्बन है इसे कम नंबर मिलना, उसे वहां से नंबर दियो, और इनको भी कम नंबर मिलना, वन टू थ्री, फिर मैं आया वन टू थ्री, अगर यहां से वन दिया तो मैं यहाँ वन टू थ्री, इसे फोर मिल जाता ये कार्बन को, इसलिए वो नहीं लेना, ये लेना वन टू थ्री, जितना हो सके कम नंबर मिलना ब्रांचेस को, वन टू थ्री फोर, समझ में आया, तो फोर के जगह क्या आता हमारा ब्यूट, ब्यूट हो गया, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, एक्चुअली वो साइक्लोब्यूटेन बाद में लिखेंगे थे, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये सफिक्स हो जाती, सफिक्स से लास्ट में डालेंगे थे, यहाँ थ्री को मिथाइल, एक तो है ये क्या है सी टू एच फाइव, नहीं सी एच टू, सी एच टू ग्रुप में ये है ना कार्बन ना, सी एच टू है, यहाँ सी एच थ्री है, तो सी टू एच फाइव हुआ, सी टू एच फाइव का तो क्या इथाइल, ये मिथाइल, थ्री इथाइल थ्री मिथाइल हो सकता नहीं, थ्री इथाइल थ्री मिथाइल, पहले ई अल्फाबेटिक लिखना नहीं, पहले ई आता उसके बाद एम, थ्री इथाइल हाइफन थ्री मिथाइल ब्यूट, वन ईन डालो या ईन डालो बोता से ब्यूटीन, ठीक है, थ्री इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, सॉरी साइक्लो छोड़ डाले, साइक्लो छोड़े तो रॉन्ग हो जाता, साइक्लोब्यूटीन, समझ में आया, ठीक है, एनी डाउट्स, ये इथाइल ग्रुप ना है, सी टू सी एच टू सी एच थ्री क्या होता, सी टू एच फाइव होता, इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, साइक्लो चार कार्बन से इसलिए ब्यूटीन, एनी डाउट्स इन दिस, क्या तो डाउट रहा बोलो, चलो आगे जाएंगे, और एक है इसे जरा मैं चेंज कर डालता हूं, ये सर क्या बॉक्सा वॉक्सा डाल रही हम मालूम हो रहा नहीं कहेंगे बाद, इसमें मजा आए करते करते तो ना मजा आ जाता, देखो कैसा है,
नंबरिंग कहां से देना, एस दोनों को कम नंबर मिलना, ठीक है। तो इथेल को सबसे कम नंबर मिलेंगे वन, एक कार्बन को टू, एक कार्बन थ्री, एक कार्बन को फोर, वन टू थ्री फोर है वहां जगह। तो बोलो वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन, वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो बोलो ब्यूटीन, राइट, दिस इज द राइट आंसर। वन कार्बन को इथाइल इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, सेकेंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है और साइक्लिक ऑर्डर में है कार्बन, इसलिए साइक्लो और चार कार्बन से इसलिए ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड है ना इसलिए इन। चलो एक ट्राई करो, मालूम होता तुम ना। कर ले हो गया तो इंशाल्लाह तुम ना और भी कॉम्प्लेक्स करने का आता। एस अब यहां तुम्हें प्रायोरिटी यूज करना, कीटोन एक ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है, सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लिस्ट कौन सा सबसे पहले सफिक्स आता, कीटोन कौन सा आता, अल्कोहल कीटोन आता, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, चेक करो। S, कीटोन, गुड। तो इसे क्या हमें सफिक्स कर लेती हैं, इसे प्रीफिक्स, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से देंगे, इसे कम नंबर है ना वैसे देंगे। अच्छा ह्यों दिए तो वन थ्री, इसे थ्री आता इसे वन आता, ह्यों दिए तो फिर इसे फाइव आता जो रॉन्ग है, समझ में आया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो अब लिखो नाम, थ्री प्रीफिक्स क्या है, OH का प्रीफिक्स क्या, हाइड्रोक्सी, करेक्ट, थ्री हाइड्रोक्सी, बोलो आगे, साइक्लो साइक्लो बोलो जल्दी, हेक्सोनॉन साइक्लो हेक्सोनॉन, थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सोनॉन, थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लो, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। चलो और दो तीन तुम्हें ट्राई करो बस, उसके बाद कंफर्म हो जाता तुम्हें सिक्लिंग रखो, जो एब्सेंट है उनका लास्ट हो रहा, देखो एग्जाम को ये जाने वाले ज्यादातर, तुम्हें रेस वाले तुम्हें तुम्हारा फायदा हो रहा। एक है इससे और एक जरा मैं कॉम्प्लेक्स कर डालता हूं, लिख लेते रहो साथ में, अच्छा इसे नंबरिंग कैसे देती, जल्दी बोलो। हाँ चलो यहां से नंबरिंग दिए तो इसे भी ये कार्बन को भी कम माना, तो यहां से नंबर दिए तो ये कार्बन एक कार्बन को कम आना, तो यहां से दिया तो इसे टू आता, फिर थ्री फोर फाइव आ जाता इसे, ठीक है, से वन टू इसे फाइव आ जाता, तो रॉन्ग हो गया, नहीं कितने होते हैं, एट होती है, यहां से दिया तो वन टू थ्री हाँ कम हो जाता, सिक्स में आ जाता, फिर हम वापस रहे रॉन्ग, दिस इज द राइट नंबरिंग। देखो वन टू थ्री फोर फाइव, अब बोलो या मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, नहीं क्या भी नहीं गया तो क्या है, मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री है, वहां सी एच थ्री है, सो टू कामा थ्री ऐसा लिख सकती, टू कामा थ्री सेम ग्रुप से तो क्या करना समय, डाई मिथाइल टू कामा थ्री डाई मिथाइल हाँ पेन साइक्लो साइक्लो पेंट इन, ओके टू का मतलब से डाइमिथाइल साइक्लो पेंटीन, एग्जैक्ट आंसर। इसी तरह से ये भी देख लो, यहां हमें नंबरिंग देंगे वन टू थ्री फोर फाइव,
ठीक है, कहां से भी नंबर दो तुम ना सेम आ जाता, 1 2 3 4 5 जो रिंग में है खाली वो कार्बन्स को हमें नंबर देना, ये कार्बन्स को नंबर नहीं देता, ये मिथाइल ग्रुप से तो इसीलिए हमें नहीं दे सकते। 1, 2 डाइमिथाइल, बोलो 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन, ओके करेक्ट आंसर। तो ये हुआ तुम्हारे आलिसिक कंपाउंड्स के, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस तुम ना राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स का था, तुम्हें क्या करना स्ट्रक्चर लिखना, कंपाउंड्स देता तुम्हें, तुमने ये देता था तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर देखो रहा था नेम्स लिखना तुम्हें, या नहीं तो तुम्हें खाली नेम देता स्ट्रक्चर लिखना, नेम देता स्ट्रक्चर लिखना, ठीक है। ये भी आता तुम्हें करने कि सुबह कर लेंगे, बोर होगी तो सुबह, नहीं सर अभी हमें बैठती है तक 2-5-6 मिनट में हो जाता, 5-10 मिनट। रेज योर हैंड्स, हैंड का है गए बटन देखो, ओके ये भी खत्म कर देंगे। यस फाइव या 10 मिनट्स होता है, यस पॉसिबल है, चलो ये तो मालूम हुआ नहीं, करे ना आज। यस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, चलो नेक्स्ट टाइम इच कर लेंगे, ठीक है। सर नो अब तो बोलो बस, ओके अब जो जरा मैं प्रैक्टिस को क्वेश्चन डालता हूँ, आज जो टेस्ट था तुम ना शायद 8 बजे से मैं टेस्ट डालता हूँ, तब तो मैं रेडी रहना, क्या है कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, चेक करके देखो मैं डालता हूँ, ठीक है। टेस्ट अटेंड करते हैं सभी, गारंटी एक नॉमेनक्लेचर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।